हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो आप लोगों का स्वागत है तारा डेली फैमिली ब्लॉग पे। तो एक मैं और नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने हूँ। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कुछ यूनिक चीज़ जो कि बहुत आप लोग के सामने नया है। वो चीज़ मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कितना मेहनत करती हूँ और किस तरह करती हूँ। तो आज मैं अपना सेटअप दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह अपना वीडियो शूट करती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने ब्लॉगिंग तो करती थी, शॉर्ट वीडियो भी कर रही थी, लेकिन रिएक्शन वीडियो बना रही थी, ऐसे डांस वाला नहीं शॉर्ट वीडियो बना रही थी। तो आज मैं वही करने के लिए तैयार हुई हूँ। आप लोग देख सकते हो, तैयार होके मैं छत के ऊपर आई थी। जैसे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, हमारे बाबूजी देख लो यहाँ पे। तो सबसे पहला काम मेरा यही है कि इसको अपने साथ ही रखती हूँ मैं, जो कि मुझे अपने साथ ही रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको अपने पास ही लेके आके यहाँ पे बगल में बिठा ली हूँ, ताकि मैं इसका भी ख्याल रख सकूँ और अपना वीडियो भी बना सकूँ। और बाकी मैं अपना सेटअप दिखाती हूँ आप लोग को कि किस तरह का मेरा सेटअप है। काफ़ी तो नहीं है, बस यही नॉर्मल सा है, आप लोग देख सकते होगा, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। तो बस यही मेरा सेटअप है, इसी से मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये चुन्नी क्यों बांध रखा है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं ये चुन्नी इसीलिए बांध रखी हूँ ताकि ये गिर जाता है, मोबाइल का मतलब वज़न ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये गिरने लगता है, तो ये मैंने इस पर चुन्नी बांध दिया है। इसी तरह मैं अपना ब्लॉगिंग करती हूँ या फिर शॉर्ट वीडियो शूट करती हूँ, काफ़ी मुसीबत होती है, लेकिन आप लोग तक वीडियो पहुँचाना है वो हमारा काम है, हमारा हेडेक है हम किस तरह पहुँचाएँ किस तरह नहीं। तो इस तरह आप लोग तो यही बोलते होंगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होती होगी, कोई परेशानी नहीं होती होगी। तो यही बात है ना कि एक औरत को सब कुछ देख के सुन के चलना पड़ता है, जैसे कि मेरा छोटा बेबी भी है अभी। मुझे काफ़ी, मैं नीचे तैयार हुई, तैयार होने के बाद सब कुछ मतलब सेटलमेंट किया, फिर उसको गोद में उठाई, गोद में उठा के सब कुछ अपना ये सिस्टम उठाई, फिर छत के ऊपर आई हूँ। छत के ऊपर भी अभी बारिश हो रही है, तो मैं उसको भी ज़्यादा देर तक बारिश में नहीं रह सकती हूँ, तो अभी मुझे नीचे जाना होगा। अभी मैंने शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाया है, अब देखो बारिश रुकती है तो शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। बाकी तो आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरा हेल्प करेंगे। आप लोग के हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बाकी जितने मुसीबत के साथ मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, उतनी ही अगर मेरी मेहनत रंग लाई तो मैच कर देगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे दिल को खुशी मिलेगी कि मैंने इतना मेहनत किया और उसका फल मुझे मिल रहा है। कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है तो अंदर से बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब ऐसा लगता है कि हम बेवजह कर रहे हैं काम, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। तो ये सब ना सोच के मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें। और बाकी आपने मेरा सेटअप देख ही लिया, एक बार फिर से दिखा दूँ आप लोग को। अभी बाबू का भी कोई पता नहीं है वो कब रोने लगे कब नहीं, तो फिर उसको भी संभालना होगा। तो बहुत मुसीबत के साथ वीडियो बनाना पड़ता है और आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, प्लीज़ मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, और जो नए आए हैं वो बाकी चैनल को लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देना। और बाकी आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। बाकी तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।